अरे नाना जी आ रहे हैं, जल्दी से सब कान बंद कर लो वरना गाना सुनना पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैंने तुम सबके लिए सुबह की ताजगी की तरह एकदम ताजा गाना तैयार किया है, अभी सुनाता। नाना जी यहाँ बैंक में आप खुलकर गाना नहीं गा सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। एक काम करते हैं, शाम को आराम से चाय पकौड़ों के साथ आपके गाने का लुत्फ उठाते हैं। वेदास सिटी बैंक, ईस्ट हो या वेस्ट, एक्स-रे मैन इज द बेस्ट। अभी किसी के गाड़ी के नीचे आ जाते तो। सॉरी, गुस्सा मत करो, प्लीज चिल्लाओ मत, मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। I'm sorry. क्या सॉरी लगा रखा है, एक तो कार्टून जैसे कपड़े पहने हैं, ऊपर से स्टंट बाजी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैंने कहा था मुझ पर गुस्सा मत करो, कोई मुझ पर चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं जाऊं क्या? हाँ, जा सकते हो। Always remember, East हो या West, X-ray man is the best. हेलो। चोर, कोई पकड़ो उसे, चोरी हो गई। प्रॉब्लम क्या है बच्चे, तब से मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। अंकल अपने आप को कानून के हवाले कर दो, बैंक से जो पैसे चुराए हैं उनको भी लौटाना पड़ेगा वरना बहुत पिटाई होगी। नहीं, मुझे और नहीं मारना, मुझे मार खाने से डर लगता है पर चोरी करने से डर नहीं लगता। बैंक के सारे पैसे वापस लौटा दीजिए। मैंने कहा था मुझे मारना मत, मैंने मना किया था, अब मुझे चेज करो। करो, बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे। एक बच्चे ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसों की जरूरत है, कहां से पैसे लाऊं अब? बॉस क्या बात है,
आज आप गुस्से में अपने केमिकल्स की तरह लाल पीले क्यों हुए जा रहे हैं? एक बच्चे की वजह से मुझे पैसों के बिना ही वापस आना पड़ा। उस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ईस्ट हो या वेस्ट, लगता है कोई और भी है बेस्ट। नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ। मैं उस बच्चे को बता दूंगा, ईस्ट हो या वेस्ट, एक्सरे मैन इज द बेस्ट। पूरे वेदांत शहर में एक्सरे मैन का खतरा मंडरा रहा है। वो कहीं से भी आता है और बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। लड्डू सिंह जी, एक्सरे मैन को पकड़ने का आपके पास क्या प्लान है, या फिर कोई प्लान नहीं है? बताइए बताइए, आपको जनता को जवाब देना ही होगा। अरे 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 अरे, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि डरा रहे हो? बताने का मौका तो दो। बोलिए, जल्दी बोलिए, आपके पास बस 5 सेकंड्स है, हमें ब्रेक पर भी जाना है। आई ओहो, मैंने एक्सरे मैन को पकड़ने के लिए ट्रेन डॉग शेरा को मंगवाया, ये उसको सूंघकर ही पकड़ लेगा। शिवा, तुमने तो एक्सरे मैन को पास से देखा है, वो कैसा दिखता है? मैंने उसको टीवी पर देखा, मुझे तो वो कोई एलियन जैसा दिखता है। कोई इंसान कैसे अपनी आंखों से किसी का एक्सरे ले सकता है? ओहो नो यूडी, वो कोई एलियन नहीं था, उसने किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को एक्सरे मैन बनाया होगा। मैंने अपनी साइकिल के ऐसे टायर्स बनाए हैं जिसे आग लगने पर भी कोई डैमेज नहीं होगा। इट्स टोटली फायर प्रूफ। वाओ शिवा, यू आर सच अ जीनियस। वो फिर चोरी करने आएगा, इस बार हम तैयार रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है। मोटरसाइकिल निकालो, बैंक में चोरी हो रही है। चोरी लड्डू सिंह इलाके में चोरी। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दे, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। और तुम लोगों को आंखें दिखा दिखा कर चोरी कर रहे हो। सॉरी लड्डू सिंह जी, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे अरेस्ट मत करना। प्लीज प्लीज मुझे अरेस्ट मत करना। देखा पेड़ आराम, लड्डू सिंह को देखते ही इसकी आंखों की बत्ती कैसे गुल हो गई। उसकी आंखों की बत्ती गुल हो ना हो, अपनी मोटरसाइकिल जरूर उड़ गई। शेरा, शिवा जल्दी आ, एक्सरे मैन आ गया है। अरे शेरा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे रुक जा रुक जा। ओ डॉगी, अरे तुम कहाँ दीवार पर चढ़ने लगे? पर तुम डॉगी हो, कोई छिपकली नहीं। आपको भी क्या पड़ी थी डॉगी को याद दिलाने की? कहाँ गया वो, कहाँ गया वो चोर? वो दीवार पर चढ़ा है। इस बच्चे को भी चैन नहीं है, फिर से आ गया। बचके जाने के सारे रास्ते बंद हैं। गलत शिवा, आज तुम बच के नहीं जाओगे, दूसरों के काम में टांग गड़ाने का फल आज तुम्हें भुगतना होगा। हे,
लेजर बीम नहीं चला सकते, उनके बिना ही फाइट करो। मैं सबको खत्म कर दूंगा। हम फिर मिलेंगे। आज की बाजी तुम्हारे हाथ रही, लेकिन अगली बाजी मेरी होगी। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा मुझे टक्कर देने की हिम्मत कर रहा है। अब वो नहीं बचेगा। इस बार मैं बैंक लूटने नहीं, उस बच्चे का शिकार करने जाऊंगा। बॉस बॉस, जाने दो ना उस बच्चे को। चलो हम किसी और शहर चलते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। मैं उसे इस शहर से भगा कर ही रहूंगा। लड्डू सिंह, मैं एक्सरे मैन बोल रहा हूँ। आज मैं संपतलाल ज्वेलर्स की शॉप लूटने आ रहा हूँ। तुम सबको खबर कर देना कि मेरे चोरी के टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। गलती से तुम वहां गए तो मैं तुमको खुदा खुदा कर मारूंगा। नहीं 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 नहीं, एक्सरे मैन प्लीज मुझे खुदा खुदा कर मत मारना। मैं वहां बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तुम आराम से बैंक लूटना लूटना। समझदार लगते हो। सबको फोन करके बता देना। मैं अभी सबको बता देता हूँ। शिवा शिवा, एक्सरे मैन आज रात संपतलाल ज्वेलर्स लूटने वाला है। तुम उधर बिल्कुल मत आना प्लीज। सर, आप शिवा को मना कर रहे हो कि बुला रहे हो? अरे बुला रहा हूँ, पेड़ आराम बुला रहा हूँ। अब तो शिवा ही कुछ कर सकता है। बच्चों की तरह कहीं जाके खेलते क्यों नहीं? शिवा 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 शिवा। आज तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे बच्चे। शिवा, हम लोग आ रहे हैं। अब हम शहर से बाहर हैं। तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अब सिर्फ मेरी लेजर बीम्स हैं। बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बराबर की होगी अंकल। क्यों अंकल,
अभी और लड़ोगे या सरेंडर करोगे? एक्सरे मैन और सरेंडर? ना 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 ना। लड्डू सिंह जी आ जाइए, मेरा काम खत्म। आइए एक्सरे मैन को अरेस्ट करते हैं। हाँ हाँ शिवा, करता हूँ, पर पहले तुम ही उसको हथकड़ी पहना दो। ये लो पहना। प्रेस, प्रेस, प्रेस। ये रहा एक्सरे मैन कानून की गिरफ्त में। हाय, अब की बार मैंने पूरी तैयारी के साथ एक्सरे मैन को घेरा था। जैसे ही उसने फायर किया, मैंने कूद कर उसके हाथ पैर जकड़ लिए। हाय सर, सर, लेकिन शिवा भी यही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा ने ही एक्सरे मैन को पकड़वाया हो? शिवा तो अपना ही चेला है, वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग, इसीलिए मैं उसे अपने आस पास रखता हूँ। उसने पकड़ा, मैंने पकड़ा, एक ही बात है।